पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सऊदी अरब ने तो इंडिया का वो झंडा भी एक्सेप्ट कर लिया जिसमें मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है। सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान का बहुत पुराना इतिहादी और मुस्लिम ब्रदर जाना जाता था, उसने पाकिस्तान के मौकफ के मुकाबले में इंडिया का जो मौकफ और झंडा है उसको तस्लीम कर लिया। पता है दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत के उस नए नक्शे को मान्यता दे दी है जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया गया है और सऊदी अरब अपने नए नक्शे में इनको भारत का ही हिस्सा दिखाएगा। सऊदी अरब के इस कदम से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान अरबों की भारत से बहुत अच्छी दोस्ती से बहुत परेशान है और पाकिस्तान भारत, इसराइल और अरब देशों की दोस्ती से बहुत तकलीफ में रहता है। आज की वीडियो में जनरल एजाज अवान ने बताया है कि हम क्यों भारत और सऊदी के गहरे रिश्तों से जलते हैं। हर देश की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। आज की वीडियो में अरूज रजा और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सऊदी अरब ने तो इंडिया का वो झंडा भी एक्सेप्ट कर लिया जिसमें मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है, उसके ऊपर वो पाकिस्तान का जो मौकफ है कश्मीर का वो भी बहुत कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी मैं आपसे कमेंट चाहूँगी, लेकिन अभी तरह जनरल एजाज एवान की तरफ जाते हैं। ये दो क्वेश्चन है मेरे, एक तो ये बताएगा नुकसान क्या हो सकता है अपेरेंटली पाकिस्तान को अगर वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता, और एक साथ में उसका कमेंट भी है, मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बता दूं कि पाकिस्तान में एक आम तासुर ये दिया जा रहा है मीडिया के ज़रिए और एंकर्स के ज़रिए कि शायद सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को तैयार किया जाए, ग्राउंड्स नरम की जाएँ। तो मुझे ये बताइएगा कि फिर कश्मीर का मामला कहाँ चला गया, जब पाकिस्तान की तरफ से जो मौकफ है कश्मीर का क्या वो कमज़ोर होता नज़र नहीं आ रहा दुनिया के सामने, जब कि सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान का बहुत पुराना इतिहादी और मुस्लिम ब्रदर जाना जाता था, उसने पाकिस्तान के मौकफ के मुकाबले में इंडिया का जो मौकफ और झंडा है उसको तस्लीम कर लिया। देखिए, पहली बात यह है कि कसूरी साहब ने बड़ी एक गोल्डन लाइन आपको दे दी है और उस पे सारा नैरेटिव बिल्ड हो सकता है कि आप दूसरे की सोवरेनिटी का एहतराम करें। यूएई एक सोवरेन स्टेट है, सो इज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अगर वो कोई अपने रवैये में नरमी लाना चाहते हैं या अपना कोई वो ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ, खास इंडिया हो या इजराइल, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनको बढ़ाएं और हमें उनकी सॉवरेनिटी का एहतराम करना चाहिए। मैं इस थ्योरी को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हम पर वो दबाव डाल के हमें तस्लीम करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये नैरेटिव हमारा जो मीडिया इस वक्त लेके चल पड़ा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये स्टेट फ्रेंडली नैरेटिव नहीं है। हमें यूएई पर तनकीद करना या सऊदी अरेबिया पर तनकीद करना या जो दूसरे ममालिक तस्लीम कर रहे हैं उन पर तनकीद करने का हमें कोई हक नहीं है। हमें चाहिए कि अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए, जिनकी तरफ कसूरी साहब तीनों चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं, अब इंडिया इसराइल डायरेक्ट थ्रेट उससे हमें कोई नहीं है, ना वो जुर्रत कर सकता है हमारे ऊपर किसी किस्म का हमलावर होने की। हिंदुस्तान के पड़ोस में बैठे हुए अब हिंदुस्तान सीआईए से मदद दे, वो मोसाड से मदद दे इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की सूरत में, या इनसे कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदे तो वो अब वो खरीदते रहेंगे, जहां से हमें मिलेगा हम खरीदते रहेंगे। तो हमने अपनी स्टेट पॉलिसी बनानी है अपने सॉवरेन स्टेट के मफाद को सामने रखते हुए। किसी इसराइल न कोई डायरेक्ट थ्रेट है, न कोई ऐसा वो दबाव हम पर ला सकता है। हम ब्लैक लिस्ट में रह चुके हैं पहले भी FATF की, बिल्कुल, और इस वक्त हम ग्रे लिस्ट में हैं और हम अपना वी आर पुटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अमेरिका का जो हमारे जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जिसको कहते हैं वो हमने अमेरिका के साथ रखनी है, लेकिन चाइना का दरवाजा जो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है वो हमेशा खुला रहेगा, उससे हम किसी के कहने पर किसी दबाव की सूरत में वापस नहीं जा सकते।
तो रीजन में जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक है वो जाहिर है कश्मीर की नजर से ही देखे जाएंगे। तो सर, अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि उनके ऊपर काफी दबाव था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, लेकिन उन्होंने वो दबाव एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट दे दी कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो सर, ये फिर कौन से अनासर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को ये बात समझा दी जाए कि इसराइल को तस्लीम करने से उनको कितने फवायद मिल सकते हैं? अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता तो उसके पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर और रीजन में किन खतरात का सामना करना पड़ सकता है? सर, मुझे आपसे इस पर आपके ख्याल चाहिए। देखिए, अगर पाकिस्तान इसराइल को नहीं करता, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान की इसराइल से कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो जो लैंड फॉर पीस फॉर्मूला है हम तैयार हैं आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए। सारी इस्लामी दुनिया कर लेगी, अरब दुनिया कर लेगी, हमारी कोई अजली दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर वो इन प्रिंसिपल। अभी भी जो यूएई गया है तो यूएई ने ये कहा है ना, अब उस पर अमल दरामद होता है नहीं, मुझे नहीं पता कि जी उन्होंने गारंटी दी है कि वो जो सेटलमेंट्स हैं मजीद नहीं आगे बढ़ाएंगे। मुझे तो एतबार नहीं है अच्छा इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर इसराइल का है, लेकिन कम से कम यूएई ने भी ये गारंटी उनसे मांगी थी, चाहे लफ्जी सही। पाकिस्तान को उससे ज्यादा चाहिए। पाकिस्तान ये कह रहा है जो अरब लीग का फॉर्मूला है, अगर आप तैयार हैं तो हम करें। आपने कहा नुकसान क्या होगा अगर नहीं करेंगे, एक तो हमारा प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। तो एक चीज याद रखिए, जब आप प्रिंसिपल्ड पोजीशंस लेती हैं तो जो नुकसान होते हैं वो निस्बतन कम हो जाते हैं। ठीक है, अब वो नुकसान है क्या? देखें, नुकसान यही हो सकता है ना कि क्या हम पे प्रेशर, अमरीका का हम पहले प्रेशर बर्दाश्त कर चुके हैं। अगर यूएई एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उनको और उनकी नेशनल सिक्योरिटी का इतना बढ़ के बैठा होगा, नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि उनको ज्यादा मामला इकोनॉमिक, उनको जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो समझते हैं कि इसराइली वहां आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट को अच्छा सिग्नल जाएगा। तो वो कोई इसलिए तो नहीं है कि जी जल साहब ने सही कहा था, कि भी उनको मिस्र ने भी एक्सेप्ट किया है, उनको जॉर्डन ने भी एक्सेप्ट किया है, तो कौन सी दूध की नहरें वहां बह गई? आई एंटायरली अग्री विद दिस एनालिसिस। सवाल उसमें ये आ रहा है, आप पे प्रेशर क्या पड़ेगा? प्रेशर यही पड़ेगा ना कि अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो आपको फायदे हो सकते हैं। मैं मानता हूं इन्वेस्टमेंट के फायदे हो सकते हैं, एक वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, लेकिन एक कॉस्ट होती है ना। और दूसरी चीज और उससे बढ़कर बता दूं, मैं तजुर्बे पे, जब मैं वजीर खारजा था और कश्मीर पे हम एक बैक चैनल पे बातचीत करके कर रहे थे जिसमें 3 साल लगे उसकी डिटेल्स तय करने में, मैं 3 साल बोलता रहा। क्यों? इंडिया भी नाराज था, पाकिस्तान के लोग भी नाराज थे, बोलता क्यों जा रहा? मैं इसलिए बोल रहा था कि जब हमने अगर लोगों को कॉन्फिडेंस में ना लिया और कश्मीर का मुबैना या मुजवजा खाका ना जब पेश किया तो लोग हमें गालियां देंगे।